आज के इस वीडियो में बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो देखिए, इसमें दो टर्म हैं, एक आयनाइजेशन, दूसरा एंथैल्पी। एंथैल्पी साइंस का टर्म है। एंथैल्पी मीन्स क्या होता है, हीट एनर्जी। एंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी ना, एंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी ही होता है। यानी एंथैल्पी एक टाइप की एनर्जी है और वो किस टाइप की एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। होता क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है ना ही, और सब लोग पहले से जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अट्रैक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मान लीजिए कोई एटम ए है, यही आपने इसको क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया, ठीक, एनर्जी दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमने लगेगा, और एनर्जी दिया और तेजी से घूमने लगेगा, और एनर्जी दिया और तेजी से घूमने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस एनर्जी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो हुआ क्या, किसी भी एटम को आपने एनर्जी दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया, और कैसा आयन बन गया, केटान बन गया। तो केटान बन गया तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। देखिए, जिसमें ए टी आई यून लगा रहता है ना, वो प्रोसेस होता है, जिसमें ए टी आई यून लगा रहता है वो प्रोसेस होता है। तो आयनाइजेशन मतलब आयन बनने का प्रोसेस, आयन मतलब कैसा, केटायन ना। तो इसकी डिफिनीशन क्या है कि यही है, ये एनर्जी है, अब ये एनर्जी कैसी है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तो डिफिनीशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी एक कैसा है, आइसोलेटेड है, मतलब किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है, आइसोलेटेड है, और किस स्टेज में है, गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड गैसियस, और कैसा है, न्यूट्रल एटम है। आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, न्यूट्रल एटम होना चाहिए। उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वही एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो देखिए क्लियर लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जो सबसे कमज़ोर बंधा होगा, कमज़ोर कौन बंधा होगा, सबसे बाहर की तरफ होगा। कभी भी अगर आप हीट करेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ना तो यहाँ का निकलेगा, जो सबसे बाहर की तरफ होगा वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसलिए लिखा गया मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन ना, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यही डिफिनीशन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं।
और ख़ास बात क्या है कि अलग इलेक्ट्रॉन आप सक्सेसिव निकालते रहते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम और उसके फर्दर इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ना। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, देखिए एनर्जी देनी पड़ रही ना, तो पॉजिटिव होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव और सक्सेसिव वैल्यू वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रीवियस वन ना। जैसे कोई मान लीजिए एटम M है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला क्या बन गया, M पॉजिटिव, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला M2 पॉजिटिव, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला M3 पॉजिटिव बन गया इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए IE1 है, यहाँ पे क्या है IE2 है, यहाँ पे क्या है IE3 है ना। तो देखिए इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका इस वाले से इसका ज़्यादा है, इस वाले से इसका ज़्यादा है, इस वाले से इसका ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस उतना पावरफुली बॉन्डेड होगा। तो इसीलिए लिखा गया कि सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रीवियस वन। मतलब आई ई वन क्या होगा, कम होगा, फिर आई ई टू क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर आई ई थ्री क्या होगा, और ज़्यादा होगा उसके बाद इस तरह से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो इस तरह से सक्सेसिव वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। और फैक्टर इफेक्ट की बात करें, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर इसकी बात करें तो पहला है साइज इज साइज, अगर बड़ा है ना तो आसानी से निकलेगा, और अगर साइज छोटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे, पहला फैक्टर है साइज ना, जैसे छोटा एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बड़ा एटम है, जब बड़ा एटम है तो इलेक्ट्रॉन दूर से निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या करेगी, कम एनर्जी लगेगी। तो यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। भाई छोटा एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस पावरफुली अट्रैक्ट किए रखेगा। अगर बड़ा एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। यानी छोटा एटम ज़्यादा एनर्जी, बड़ा एटम कम एनर्जी, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और दूसरा है जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा। मतलब जैसे एम जी एक पॉजिटिव है और यहाँ पर एम जी टू पॉजिटिव है, तो टू पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मेहनत वाला काम है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और इससे निकालना कम, और सबसे कम किससे, Mg से, क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, तो इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी लगेगी और इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी लगेगी। तो ये बढ़ रहा है किस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम है इस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी। और तीसरा फैक्टर इस तरह से है कि कम्प्लीटली फील्ड हाफ फील्ड सिमेट्रिकल ऑर्बिटल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। यानी कंप्लीट फील्ड या फिर हाफ फील्ड सिमेट्रिकल ऑर्बिटल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू अदर्स, दूसरे की तुलना में। तो जो सिमेट्रिकल हाफ फील्ड है
कंप्लीट फील्ड हो और या फिर सिमेट्रिकल हाफ फील्ड हो, उसको आयोनाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन क्या है, लास्ट वाला क्या है, नाइट्रोजन का कितना है 7, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3 है, ये नाइट्रोजन है ऐसे। और ऑक्सीजन का कितना है 8 है ना, क्या होगा 1s2 2s2 2p4। तो देखिए यहाँ पे s ऐसे है और p हाफ फील्ड है, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे यह इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये कैसा है अनसिमेट्रिकल है, जबकि ए कैसा है सिमेट्रिकल है। इसीलिए अनैसे एंथैल्पी नाइट्रोजन की क्या है ज़्यादा है, यानी अनैसे एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात किया है तो इसका है 1403 किलो जूल पर मोल के टर्म है, ठीक है, ये नाइट्रोजन की है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 1365 किलो जूल पर मोल है ना। तो जो सिमेट्रिकल हाफ फील्ड हैं वो सब ज़्यादा एनर्जी लेंगे जब आप उसको रिमूव करेंगे, ठीक। अगर हम लोग वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन ऑफ अनैसे एंथैल्पी इन ए पीरियड, अगर पीरियड में वेरिएशन की बात करें तो इस तरह से है। देखिए सिंपल सा ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इधर प्लॉट है, और इधर क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लॉट है इस तरह से। तो ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे लिथियम है ना, और यहाँ पे क्या है बेरिलियम है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है बोरान है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, और सबसे ज़्यादा किसका है नियान का है। ऐसा इसलिए है कि ये जो बोरान है ना वो सिमेट्रिकल है, बेरिलियम सिमेट्रिकल है, बोरान सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इसलिए है कि लिथियम का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s1 1s2 फिर 2s1 ना, ये किसका है लिथियम का है। फिर बेरिलियम क्या लिखेंगे 1s2 2s2, और बोरान क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। तो देखिए ये फील्ड है ना पूरा कंप्लीट फील्ड है, और एक कंप्लीट फील्ड नहीं, यहाँ पे क्या है p1, यानी s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। इसलिए देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है ना, ये ट्रेंड है। तो जो लिथियम है उससे तो सबसे आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन s से रिमूव होगा, और बेरिलियम में s2 से रिमूव होगा, और बोरान में p से रिमूव होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तुलना में किसके, बेरिलियम के। इसीलिए ये जो बोरान है ना, बोरान है, इसके अनैसे एंथैल्पी कम है किससे, बेरिलियम से, लेकिन लिथियम से ज़्यादा है, लिथियम से ज़्यादा इसकी है, लेकिन बोरान से क्या है कम है। सेम वही बात नाइट्रोजन के लिए भी है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का ये जो ऑर्बिटल है सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, इस वजह से ऑक्सीजन की क्या है कम है और नाइट्रोजन क्या है ज़्यादा है। तो इस तरह से ट्रेंड है। तो कितना अनैसन एंथैल्पी लगेगा, कितना कम लगेगा, कितना ज़्यादा लगेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है ना। नियान का सबसे ज़्यादा इसलिए है ना कि ये तो पूरा भरा हुआ है, नियान कितना है लास्ट में
कंप्लीट ऑक्टेट है ना, इसलिए इसकी एनर्जी एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वेरिएशन ऑफ एनर्जी एंथैल्पी इन ए ग्रुप की अगर बात करें तो नीचे जाएगा तो साइज बढ़ती जाएगा। तो अभी सब लोगों ने देखा कि एनर्जी एंथैल्पी जो है प्रोपोर्शनल टू साइज, तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो उसकी साइज बढ़ती जाती है, इसलिए एनर्जी एंथैल्पी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी एनर्जेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज, क्योंकि साइज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो साइज बढ़ती जाएगी तो एनर्जी एंथैल्पी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो अगर लिथियम के देखें तो साइज सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो इसका कितना है 520 है किलो जूल पर मोल। सोडियम कितना है 495 है, कम है। और पोटेशियम का और कम है 419, और रुबिडियम की साइज और बड़ी है तो इसका और कम है 403, और सीजियम का है 376 है। यानी साइज बढ़ी तो एनर्जी एंथैल्पी कम हुई, यानी जितना ज़्यादा साइज होगा एनर्जी एंथैल्पी उतना कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतनी दूर से निकालना पड़ेगा ना। तो इस तरह से जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो एक्सेप्शन कौन शो करेगा, एक्सेप्शन सेकेंड ए वाला शो करता है और फिफ्थ ए वाला करता है। इन्हीं दोनों को एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो एनर्जी एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो एनर्जी एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाता है इस तरह से ना। सबसे ज़्यादा नियान की होगी और सबसे कम लिथियम की होगी, बीच में यही एक्सेप्शन शो करते हैं कौन, ए वाले सेकेंड ए वाले। बेरिलियम कहाँ का है, सेकेंड ए का है, और नाइट्रोजन कहाँ का है, फिफ्थ ए का है। तो यही एक्सेप्शन जो है यही कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी एंथैल्पी की पूरी बात। तो एनर्जी एंथैल्पी की डिफिनीशन इस तरह से है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम कहना जरूरी है, अगर आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम नहीं कहते हैं तो डिफिनीशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी इसके जस्ट अपोजिट। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।